Hello, good morning student. Today we are learning your third poem from your BA BCom first year first semester. That is the poem named If, written by Rudyard Kipling. Okay, so this poem If you can keep your head. The title line of this poem, and this poem is written by Rudyard Kipling. His life period is that he was born in 1865 and died in 1936. देखो हमें ये poem देखनी है आपके first semester के लिए BCom सिलेबस से. इफ नाम की यह पोएम है जो रुडियार्ड किपलिंग इसके पोएट है. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड नॉवलिस्ट. ओके, ही इज नोन फॉर चिल्ड्रंस बुक्स. ओके, रुडियार्ड किपलिंग जो है उनके चिल्ड्रन बुक्स के लिए पहचाने जाते हैं. ही इज मोर फेमस फॉर द जंगल बुक एंड किम. It means he is more famous by his Jungle Book and Kim. इसके लिए ये बहुत famous है. He has also written many stories and poems about the British in India during the foreign rules. It means he was written many stories and poems about the British in India during the foreign rules. जब British India में थे उस वक्त इन्होंने बहुत सारे stories और poems लिखे हैं उस दौरान. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1907. 1907 में उनको Nobel Prize मिला है literature के लिए, साहित्य के लिए. He was offered a knighthood several times. ओके, ये जो ऑनर है नाइटहुड का, इनको बहुत बार मिल चुका है, ऑफर किए हुआ है टाइम्स, बट ही ऑलवेज डिक्लेन द ऑनर्स. इट मीन्स ही ऑलवेज डिक्लेन दैट ऑनर्स, उसको उन्हें नकार दिया है. बहुत बार इनको नाइटहुड का ऑफर किया है मगर उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया है. देखो ऑनर. सो व्हाट हैपन इन दिस पोएम, जनरली रुडियार्ड किपलिंग उनके जो जंगल बुक है, जंगल बुक इसके लिए पहचाने जाते हैं. इट मीन्स, और इस पोएम में इफ जो पोएम है हमारी सिलेबस में स्टडी के लिए, इफ इज रिटन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ फादर हु इज इम्पार्टिंग एडवाइस टू हिज सन. इट मीन्स फ्रॉम दिस पोएम दैट फादर वॉन्ट टू Give some advices for his son. देखो फादर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिस्पेक्टिव पोएम है. देखो यहाँ पे फादर खुद के सन को किस तरह से एडवाइस कर रहे हैं when they are imparting. Okay. So this poem reminds us of the advice of Polonius to his son contained in Shakespeare's हैमलेट. देखो जाने माने विश्व के जो ड्रामेटिस्ट है शेक्सपियर, उनका जो हैमलेट नाम का ड्रामा है, उस ड्रामा में एक पोलोनियस एक कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर खुद के बेटे को इस तरह के एडवाइसेस देते हैं. वो हमें यहाँ पे रिमाइंड करता है, ये पोएम हमें करती है. ओके, so in this poem Kipling expound the significance of virtue and self-control in life. From this poem Kipling want to say something or self-control or virtue in our life significance. Okay, यहाँ पे Kipling क्या self-control किस तरह से life में करना चाहिए, या फिर life के प्रति किस तरह से कुछ एडवाइसेस है, ये यहाँ पे बताना चाहते हैं. इम्परेटिव फॉर अ मैन, इट मीन्स इट इज यूजफुल टू फॉर
each and every man, and such type of advices, it takes universal appeal. देखो ये इस तरह के advices सिर्फ एक father से उनके son के लिए ही limited नहीं रहते. इस तरह के advices, it is universal ones. देखो ये विश्व में हर father to son ये advices रहते हैं. ओके, universal appeal करते हैं इस तरह के advices. So this inspirational poem is of immense help to the young generation. Okay, this is one of the inspirational poem. Okay, ये poem हमें बहुत young generation को inspire करने वाली है. इसमें से बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है. देखो तो किस तरह से poem है. So we are looking this poem. So starting with this poem, if you can keep your head when all about you are losing their and blaming it on you. So the starting line of this poem, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, it means you have to keep calm when the things are going अपोजिट टू यू. देखो इसमें क्या बताया है, अगर लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत सारा आपके मन के हिसाब से नहीं चलती है लाइफ, ओके, और इस लाइफ में हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत सारा बर्डन हमारे, बहुत सारा माइंड पे हमारे स्ट्रेस आता है उस वक्त, देखो, या फिर हम कुछ बहुत सारा लूजिंग करते हैं, ब्लेमिंग, लॉट ऑफ पीपल्स आर ब्लेमिंग टू यू, एंड एट दैट इन दैट सिचुएशन यू हैव टू लूज योर पेशेंस. देखो तो इस समय में अगर आप क्या करोगे, इफ यू कैन कीप योर हेट, इट मीन्स इफ यू हैव टू मेक पेशेंस, यू हैव टू मेक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन यू, सो दैट सिचुएशन विल बी वैनिश इन द फ्यूचर. देखो इस तरह से यहाँ पे सजेशन दिया है दैट फादर टू सन. ओके अगेन, इफ यू कैन ट्रस्ट यूअर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइंस. इफ यू कैन ट्रस्ट यूअर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, अगर आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, जब कौन से सिचुएशन में, सब जब सब लोग तुम पे क्या कर रहे हैं, डाउट फील कर रहे हैं, इट मीन्स व्हेन यू आर वर्किंग समथिंग एंड इन दैट सिचुएशन दैट पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर यू विल नॉट सक्सेस, ऐसा लोग कह रहे हैं, तब अगर तुम खुद पे भरोसा रखते हो और खुद पे भरोसा रखने के बाद वो वर्क आप पेशेंसली विथ हार्ट्स विथ माइंड एंड विथ हार्ट्स अगर वो वर्क करते हो तो उसमें आप क्या होने वाले हो, सक्सेस होने वाले हो. ठीक है, ओके, तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है खुद पे. इफ यू कैन ट्रस्ट यूअर सेल्फ इन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू, इट मीन्स अलाउंसेस मीन्स मेक अलाउंसेस मीन्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेक अलाउंसेस. Here we have that meaning. It means make allowances means give room for or admit. देखो यानि क्या करना है आपको, लोग आप पे डाउट फील कर रहे हैं, करने दो, उनको रूम दो, डाउट करने दो, क्योंकि जब तक कोई आपको, जैसे मराठी में एक मना है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, निंदकाचे घर असावे शेजारी, जोपर्यंत कोणी तुमची निंदा करणार नाही तोपर्यंत तुमचं तुम्ही स्वतःची प्रगती करू शकत नाही. ओके, दॅट इज द ट्रूथ. सो बट मेक अलाउंसेस फॉर देअर डाउटिंग टू, लोगों को डाउट करने दो, डाउट फील करने दो, लोगों को बोलने दो, और उसमें से सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, आपका जो वर्क आपने हाथ में लिया है उसको क्या करना है, उसको कंटिन्यूअस करना है, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, वर्क, यू विल यस सक्सेसफुल इन योर वर्क. So these four lines have to giving advices,
that you have to, if you can keep your head when all about you are losing there and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but you make allowances for their doubting too. देखो ये फोर लाइन जो है, फर्स्ट वाले फोर लाइन्स, इसमें पोएट ने बताया है कि खुद पे क्या करना है, ट्रस्ट करना है. ओके और ऐसे लूजिंग यानी जब जब आप हारने वाले हो, या फिर जब कोई लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, या फिर आपको स्ट्रेस है माइंड पे, उस वक्त आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, खुद को संभालना है. अगर उस सिचुएशन में आपने खुद को प्रॉब्लम सॉल्व किया है, खुद का प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करते हो पेशेंस रख के, माइंड को काम रखते हुए, या फिर पीस एंड काम फुल ऑफ, अगर कोई वर्क करते हो तो आपको क्या होना है, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है. और उसके बाद क्या बताया है कि यू हैव टू ट्रस्ट यूर सेल्फ, आपको खुद पे भरोसा रखना है. लोगों को बातें करने दो, बोलने दो, डाउट फील करने दो, और उनको उनके डाउट को आप डिक्ले या फिर ये नहीं करना है, क्या उनके डाउट को आपको डिक्लेयर करना नहीं है. ओके उनको डाउट करने दो, मगर आपको आपका खुद का वर्क कंटिन्यूअस रखना है, तब जाके आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा. ओके ओके स्टूडेंट, सो रिमेनिंग दिस पोएम वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.